प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग चौथी कक्षा के रिमझिम चार का चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है पापा जब बच्चे थे, कहानी के शब्दार्थ जानेंगे। ठीक है, मैंने आपके पाठ से कुछ कठिन शब्दों के अर्थ निकाले हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यह शब्दार्थ क्या है। आप सभी इन शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि इन्हें अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने का। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला शब्द क्या है, अक्सर। अक्सर यानी ज्यादातर, मतलब आसान शब्दों में क्या होगा, हमेशा। ठीक है, अक्सर यानी ज्यादातर। ठीक है, यकीन यानी विश्वास। यकीन का अर्थ होगा विश्वास। विश्वास आपको पता है, हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे हम लोग अपने मित्रों के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने पापा मम्मी के ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, उसे ही यकीन कहा जाता है। ठीक है, तय करना। तय करना यानी निश्चय करना। ठीक है, तय करना का अर्थ होगा निश्चय करना, यानी कि ठान लेना। ठीक है, किसी बात को ठान लेना, उसे ही कहते हैं निश्चय करना। ठीक है बच्चों, अब देखिए चौथा शब्द है गंवाना। गंवाना यानी खोना। गंवाना यानी खोना। ठीक है, किसी चीज को खो देना ही क्या कहलाता है, गंवाना। हम लोग कभी जैसे हम लोग, अगर मैंने अपनी कलम खो दी तो मैं क्या कहूंगी, मैंने अपनी कलम गवा दी। ठीक है बच्चों, अब देखिए पांचवा शब्द है अचंभा। अचंभा यानी हैरानी। ठीक है, कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज देख लेते हैं जिसे हमें विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है, तब हमें क्या होती है, हैरानी होती है, अचंभा होता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है अजनबी। अजनबी यानी अनजान आदमी, जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, अजनबी या अनजान आदमी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है चटकदार। चटकदार यानी चमकीला। ठीक है, जब कोई वस्तु चमचमाती है तो उसे ही क्या कहेंगे, चटकीला या चमकदार। ठीक है, चटकदार। चटकदार का अर्थ होगा चमकीला। अब देखिए उसके बाद है असली। असली यानी वास्तविक होता है ना, कोई असली चीज होते हैं, कुछ नकली चीज होते हैं, असली यानी वास्तविक। ठीक है, इरादा। इरादा का अर्थ होगा विचार या इच्छा। ठीक है, इरादा का अर्थ होगा विचार। ठीक है, या इच्छा। तो बच्चों यह थे आपके शब्दार्थ, तो आज के लिए ही तक। अगली कक्षा में हम लोग एक नए अंश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।